भी लगती है ना तो मैं देखती नहीं। आज तक मुझे भी अगर सुई लगती है ना तो मैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग देखते हैं कि हाँ सुई लग रही है। गुड न्यूज आपको मैं देने वाला था, वो गुड न्यूज मैं 2 दिन में रिवील कर दूंगा एंड बैक टू बैक बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो आने की। कल शाम से हमारी लड़ाई हो गई है, तो ना मैं बात कर रही थी इनसे ना ये बात कर रहे थे मुझसे, तो अभी जाके इन्होंने कहा कि मम्मी को बोल दो। आप सभी को सुबह की शुरुआत ये प्यारी सी दो नींबू से। मेरे हाथ में आप नींबू देख रहे होगे। चलो नींबू की कहानी आप बात में, आप नींबू की कहानी के बारे में आप जान ही रहे होगे कि नींबू कितनी कॉस्टली हो गई है। वैसे आप कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ नींबू की प्राइस क्या चल रही है, पर पीस या केजी पर आप लेते हो तो केजी पर या पर पीस कैसे चल। तो अभी नींबू हमने जो ये लिया है ये 4 रुपए पीस मिला है हमें, और मार्केट मतलब हमने जो लिया है। आपके यहाँ क्या प्राइसेस है आप कमेंट करके बताना, केजी पे क्या रेट है और पर पीस पे क्या रेट है। 4 रुपए हमें इसलिए पड़ा कि हमने जो लिया ये मंडी से लिया है। मंडी मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में, जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब सब्जी वगैरह किसान लेके आया। तो चलते घर पे, बाकी बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस आने वाली है जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अमेजिंग अमेजिंग वीडियो और बहुत प्यारी प्यारी वीडियो। बहुत लोगों ने कुछ कुछ गेस किया बट आप लोग पूरा गेस नहीं कर पाए। सुनिए ना फोन बज रहा है आपका। तो यहाँ सुसू कर लिया शिवांश, यहाँ पे भैया के घर में घुस के सुसू कर दिया है और भैया के बैट से और खेल रहा है ना। बेटू आ जाइए। अरे बुआ गिरेगा, भाभी बाप रे। हाँ ये छोटी वाली बुआ भी बदमाश। काउंटिंग सीख रहा है 1 2 3, वो भी मकुड़दाना से। रास्ता मम्मी बाय बाय बाय, हाय हाय हाय, बाय बाय बाय। पिपिन मिल गया, पिपिन मिल गया। अब जाएगा शिवांश दादाजी के साथ। ताज वाला चाय था, मसाला चाय जो हमने चोरी करके लाया था वो हमने मम्मी को पिलाया। मम्मी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। फिर मसाला चोरी करके लाना ना। वैसे ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो मतलब हमारे आने के बाद ये सारा वो फेंक ही देते, मतलब कोई भी यूज में नहीं लाते। इस वजह से ये हमारा ही था तो फिर हमने ले आया, मतलब ये वेस्ट। हाँ वेस्ट हो जाता वैसे भी तो हम ले आए। खाने में बनाया है घ्यूरा की सब्जी और दाल, इसमें चढ़ी हुई है चावल, और स्पेशल है आज आलू और मेथौरी की सब्जी। बैगन नहीं, आलू मेथौरी। ये देखिए कितना ग्रेवी इसका, कितना प्यारा लग रहा है। देखो हम लोग बाहर आ गए। शिवांश को गर्मी लग रही है और अभी नींद भी लग रही है। दादी के साथ मसाला पीस रहा है। तो अभी शिवांश को नीचे छोड़ के मैं जा रही हूँ चूड़ा फ्राई करने। इन्होंने बोला है कि चूड़ा फ्राई कर दो, तो अभी जा रहे हैं चूड़ा फ्राई करने। और आज शिवांश को वैक्सीन लगी थी, मैं मार्केट नहीं जा पाई क्योंकि मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का और थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था, इस वजह से नहीं गई। और शिवांश को वैक्सीन लगी है, वो भी दो। अन्ना जी भी मिल गए थे वहां पे, मतलब पापा जा रहे थे फिर पापा ने कार्ड से पहचान लिया कि हाँ मतलब शिवांश होगा। वो हॉस्पिटल के बाहर लगी थी तो पापा ने गेस कर लिया होगा कि शिवांश को वैक्सीन लगने आई है क्योंकि वो बच्चों का ही हॉस्पिटल है। गर्मी और मैंने फैन बंद कर रखा है क्योंकि फैन जब ऑन करो तो बहुत ज्यादा आवाज आती है और वीडियो खराब हो जाता है। चूड़ा निकालेंगे कि कहाँ है हमारा चूड़ा। रहा चूड़ा और ये रहा बादाम। बिना बादाम के इनको चूड़ा फ्राई मतलब अच्छा ही नहीं लगता है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है बादाम फ्राई। पहले तो हम बादाम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने एक बड़ा वाला प्याज काटा है चूड़ा में डालने के। तो रेडी हो चुका है हमारा चूड़ा फ्राई। तो ये निकल चुका है हमारा चूड़ा फ्राई एंड इसमें प्याज डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, नमक एंड मिक्सचर डालेंगे, तभी इनको जाके ज़्यादा अच्छा लगे। तो लेके चलते हैं। वाह वाह, मतलब तो अभी आ चुका है मेरा शाम का नाश्ता। हे फैमिली, तो ये है हमारे शाम का नाश्ता। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा फैटी टाइप का ना। नहीं, मैंने कम वाली यूज़ किया है, ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा लग रहा था।
और अभी मैं बैठ के देख रहा था एक भूत वाली सीरियल और अकेले बैठ के डर भी लग रहा था, इसलिए मैं रुक रुक के देख रहा था। बहुत ही भूतहा सीरियल है। वैसे ये बताइए कि आपने दो टी शर्ट क्यों पहन रखा है? टी शर्ट नहीं है, ये गंजी है। मुझे लगा कि आपने न्यू नहीं खरीदा था, वैसे ही कलर का गंजी आता है ना इस टाइप का जो फुल बाही वाला, वो गंजी समझो, मैं टी शर्ट ही समझ सकती हूं। नहीं नहीं, वो टी शर्ट है, ये तो टी शर्ट ही लग रहा है। अब तो टी शर्ट बोलो या टी शर्ट की तरह एकदम पतला है। तो वही मैंने सोचा कि दो दो टी शर्ट क्यों पहन रखा है आपने, इतनी तो ठंड नहीं है। बहुत फेवरेट है, मैं हमेशा खाना चाहता हूँ शाम को शाम, मुझे बादाम भी ना, और बादाम की तो बात ही मत करो, ये बादाम है। आप लोग आशीर्वाद को दो दो सुई लगी है, दो सुई लगी है, और आप भी नहीं गए थे, मैं भी नहीं गई थी, और ये तो हमेशा नहीं जाते क्योंकि ये शिवांश को मतलब रोते हुए वैसे मतलब देख नहीं सकते हैं। मैं तो कैसे भी देख लेती हूँ, लेकिन मेरा भी मन बहुत घबरा जाता है, बहुत डर जाती हूँ मैं। और उसे जब सुई लगती है ना तो मैं देखती नहीं, आज तक मुझे भी अगर सुई लगती है ना तो मैं मतलब ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग देखते हैं कि हाँ सुई लग रही है, मैं कभी नहीं देखती, मुझे बहुत डर लगता है। मतलब वैक्सीनेशन बचपन से, बचपन से अभी तक बहुत वैक्सीन पड़ चुका है, और ये वाली वैक्सीन आज दो पड़ी है उसे, एक हाथ पे एंड एक बैग पे, मतलब जान के पास, एंड डॉक्टर ने फिर बोला है कि 10 दिन के बाद फिर आने के लिए। नहीं तो ये हमारी गलती है, थोड़ा दिन ना लेट हो गया हमसे, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ दिन पहले बुलाया था तो हमसे लेट हो गई। तो फिर डॉक्टर से हमने पूछा कि हाँ मतलब अभी दिवा सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं दिवा सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कम गैप में अब फिर से 8 दिन बाद जाना पड़ेगा, सुई दिवाना। बच्चा है ना, कैसा लगता? जो बहुत बड़ा वाला गुड न्यूज आपको मैं देने वाला था, वो गुड न्यूज मैं 2 दिन में रिवील कर दूंगा, एंड बैक टू बैक बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो आने वाली है, एंड क्या है वो सब आपको पता चल जाएगा, एंड आई होप आप सभी समझ भी गए होंगे। और वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग मॉर्निंग से व्लॉग बनाते हैं तो मॉर्निंग से क्यों नहीं बनाया, इन्होंने तो ईयरबड लगा रखा है, इनको सुनाई नहीं देने वाला। तो मॉर्निंग से ना ये शूट कर रहे हैं ना मैं शूट कर रही हूँ, तो हुआ क्या कि कल शाम से हमारी लड़ाई हो गई है, तो ना मैं बात कर रही थी इनसे ना ये बात कर रहे थे मुझसे, तो अभी जाके इन्होंने कहा कि मम्मी को बोल दो पूजा फ्राई करने के लिए, तो मैं फ्राई करने गई और फिर लेके आई, तो तब हमारी बातें चालू हुई। क्या होता है ना कि मतलब हमारी जब भी लड़ाई होती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम फाइट वाली, ऐसा नहीं होता, बस बात से। तो फिर इन्होंने मुझे डांटा, तो मैं इनसे नहीं बोल रही थी, मैं नहीं बात कर रही थी और ये भी नहीं बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं होता है कि ये मुझे मनाते हैं। मैं वेट कर रही थी इस बार, मैं हमेशा मनाती हूँ इनको, और मैं इस बार वेट कर रही थी कि ये मुझे मना ले, ये मुझे मना ले, लेकिन आखिरकार मुझे ही भूजा फ्राई करके मनाना पड़ा। बहुत दुख की बात है। एंड आप लोग कमेंट करना कि आप अगर मतलब कपल्स हो तो आप मतलब आप अगर गर्ल हो एंड बॉय हो तो कौन मनाता है इसको, गर्ल बॉय को या बॉय गर्ल को? ऐसा बीटू आ गया, बीटू भूजा फ्राई खाने आया है, भूजा फ्राई खाने आया है। मम्मी दौड़ती हुए क्या बोल रहे बेटा आज बेटू को? जी मम्मी है अभी, आज मेरी बेटी को दो सुई लगी है, दो सुई है, मम्मा भी नहीं गई थी, पता है मम्मा की तमीज कर रही थी आपको, पता बिट्टू सोना मोना। उसके बाद तो ये कार पे घूम रहा था अच्छे से, और इससे भी भूजा फ्राई बहुत ही अच्छा लगता है, ये जब भी मैं इनके लिए लाती हूँ तो ये खाने के लिए बैठ जाता है। सुनिए ना, आप कल शाम से अभी तक हमसे बात क्यों नहीं कर रहे थे, और हमको मनाया क्यों नहीं? हाँ ये बड़े खड़ूस टाइप है, आप लोगों को बता दूं मैं, इनके चेहरे पे मत जाना, भोले भाले चेहरे पे मत जाना, ये बहुत खड़ूस टाइप है। अगर हम दोनों में लड़ाई होती है तो कभी ही नहीं मनाते मुझे। पापा जी बोला इसी बात पे मिर्ची मत खिला दीजिएगा, मिर्ची काम निकलवा रहा है आपका बेटा है ना। पापा जी अभी इसे भूजा खाना है तो पापा जी बोल रहा है, ऐसे बोलते रह जाओ कि पापा जी बोल दो, लेकिन ना नहीं। क्या हुआ हमारे लड़ाई के बारे में आपने मनाया क्यों नहीं? हाँ देखो मुझे क्या है ना कि ज्यादा मनाओगे ना तो वो आगे भाव खाने लगता है। नहीं तो ज्यादा क्यों, आप तो मुझे कभी नहीं, तो यही बात होगी कि मैं ज्यादा मनाती हूँ इसका मतलब आप भाव खाते हैं। नहीं नहीं हाँ मैं
हमेशा लड़ाई कर रहा था, मैं मना रहा था। नहीं ये गलत बोल रहे हैं आप, ये सही नहीं बोल रहे थे। मैं मना नहीं रहा था बट मैं ही बोलने जा रहा था, मतलब लड़ाई भी हुआ, मैं खुद तुमसे बात करने लगा। लेकिन अगर शादी के बाद से मैं याद करूँ तो हमेशा हमेशा मैंने ही आपको मनाया होगा, है ना, है कि नहीं? मॉर्निंग से हमसे बात नहीं करते। अगर अच्छे से कोई चीज समझा दो फिर भी इसका मुंह बन जाएगा। और डांटो तो मानो, अगर आप किसी को डांट रहे हो तो अलग बात है, बट किसी को अच्छे से कोई चीज समझा रहे हो फिर भी मुंह बन जाएगा, बातें नहीं करेगी कुछ देर के। हाँ अब बहू वाला डेली मिल बउआ डेली मिल खाएगा बन्नी। शिवांश नंगू है, शिवांश के लिए ऑर्डर हो रहा है डेरी मिल्क एंड बनी के लिए बिस्किट। और यहाँ पे बन रहा है हमारा खाना, अभी दूध चढ़ा हुआ है एंड अभी जस्ट आटा सान लिया। नंगू तो अभी हम बनाने जा रहे हैं दाल फ्राई एंड ये रहा प्याज, मैंने प्याज कटिंग कर, और ये रहा हमारा मसाला लहसुन जीरा मिर्च और हल्दी से हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। के लिए थोड़ा सा खाना बनाया मैंने, देखते हैं कि वो खाता है।